तो हजरत फातिमतु ज़हरा जिसकी बेटी हूँ उसकी माँ खदीजतुल कुबरा की शान क्या होगी। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत आयशा सिद्दीका से भी हुज़ूर ने वफ़ा की हद फरमाई। एक शोहर की हैसियत से हुज़ूर ने किस हजरत अबू बकर सिद्दीक जलाल में आए, हजरत आयशा सिद्दीका बेटी है अबू बकर सिद्दीक की, जलाल में किसी बात पे नाराज हुए तो मारने जा रहे थे मुक्का अपनी बेटी को जलाल में किसी बात पे। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े कि आयशा सिद्दीका को बेटी की हैसियत से जो है वो कुछ डांट दे जोर से या मार दे अपने हाथ से, हाय हाय हाय, फौरन हुजूर तशरीफ ले आए। बल्कि मुअर्रिख ने तो ये लिखा है इधर अबू बकर सिद्दीक है और इधर हजरत आयशा सिद्दीका खड़ी है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आयशा सिद्दीका यानी अपनी बेटी की तरफ उनको मारने के लिए जा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इधर से बीच में तशरीफ ले आए। इधर अबू बकर सिद्दीक इधर आयशा आड़ बनकर हुजूर खड़े हो गए। जब शौहर अपनी बीवी को जो है वो ऐसे मामलात में आड़ बनकर अपनी बीवी का आड़ बनकर खड़ा हो जाता है तब वो समझती है कि मेरे लिए यकीनन ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हक की बातें करता है। अगर आप इधर उधर की मोहब्बतों में बह गए तो जज्बात में बह गए, बहन ने कहा ये कर लो तो ये कर लिया, बीवी को इग्नोर कर दिया तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। हर एक के अपने हक उसकी जगह मुसल्लम है, ना बहन का हक जाया होना चाहिए, ना माँ का हक जाया होना चाहिए, ना बीवी का हक जाया होना चाहिए। बीवी को ये हमेशा लगे कि आप सबसे ज्यादा उसके लिए आप प्यारे हैं और आप उससे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करते, और माँ को हमेशा ऐसा लगे कि आप उसके फरमाबरदार हैं, आप कभी उसके खिलाफ की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ऐसी मिला जुला के जनाबे वाला एक दूसरे पर एतबार करके यूं जिंदगियां अज़दवाजी गुजारी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना खास फजल व करम अता फरमाए और हमें शरीयत मुतहरा की रोशनी में जिंदगी गुजारने की खास सआदत मयसर फरमाए और जुमला मुसीबतों को दूर फरमाए, मुश्किलों को हल फरमाए, और इस महफिल पाक के सदके तुफैल इस महफिल पाक के जुमला जायज मकासिद को पूरा फरमाए, बिलखुसूस इस शादी को खाना आबादी फरमाए और होने वाले मियां बीवी में ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जैसी सुलेमान और बिलकीस और यूसुफ और जुलेखा में अता फरमाई थी। आमीन बेहक।